नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज फिर ईडी करेगी पूछताछ। कल करीब 6 घंटे पूछताछ हुई थी। ईडी ने कल सोनिया गांधी को पूछताछ के बाद आज की पेशी का समन दिया। लगातार दूसरे दिन करेगी सवाल जवाब। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से 2 राउंड में ईडी ने 55 सवाल पूछे। वैसे ही सवाल पूछे गए जैसे राहुल गांधी से पूछे गए थे। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ आज भी कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। पूरे देश में जारी रहेगा सत्याग्रह। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कांग्रेस आज भी आम लोगों का मुद्दा उठाएगी। कांग्रेस ऑफिस के बाहर होगा प्रदर्शन। कांग्रेस ने आज सुबह 9:30 बजे संसद में बुलाई विपक्ष के नेताओं की बैठक। 10:15 बजे कांग्रेस के सांसद करेंगे बैठक। कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 10 बजे होगी कार्यकर्ताओं की बैठक। गहलोत, गुलाम नबी आजाद और पवन खेड़ा शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की हिरासत से देर रात घर लौटे राहुल गांधी। मंगलवार की सुबह प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लेकर किंग्सवे कैंप थाने में रखे गए थे। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के बाल पकड़ खींचे और धक्का मुक्की उनके साथ हुई। वीडियो हो रहा है वायरल। श्रीनिवास बीवी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का दिया भरोसा। कहा बदसलूकी करने वालों की पहचान में जुटी टीम। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पीएमएलए के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ईडी के अधिकारों को भी तय कर सकती है। ईडी द्वारा की गई जांच, समन, गिरफ्तारी और जब्ती जैसे मुद्दों को भी कोर्ट करेगी संबोधित। अखिलेश राज में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की बेनामी जमीन को ईडी ने अटैच किया। अब तक 90 करोड़ की संपत्ति जब्त की। गायत्री प्रजापति की मुंबई, अमेठी, सुल्तानपुर, लखनऊ और कानपुर की संपत्ति जब्त की गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है ये कार्रवाई। गायत्री प्रजापति की लखनऊ की इंद्रजीत खेड़ा की जमीन को ईडी ने अपने कब्जे में लिया। प्रजापति ने नौकर राम सहाय के नाम पर ली थी जमीन। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के रडार पर टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य आज दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया। पार्थ चटर्जी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष का बयान, जांच में दोषी साबित होने पर होगी कार्रवाई। बंगाल शिक्षा घोटाले में 2 डायरी बरामद की गई। शिक्षा विभाग की ब्लैक डायरी और दूसरी छोटी डायरी मिली। डायरियों में लेन देन का हिसाब। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जारी किया नया समन, आज तलब किया है। ईडी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूख अब्दुल्ला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल की चार्जशीट। 27 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेक्टारू की हत्या। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया। पुलिस के मुताबिक बाइक पर था केरल का नंबर। पुलिस बॉर्डर को सील कर हमलावरों की तलाश में जुटी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रवीण की हत्या के खिलाफ किया प्रदर्शन, इंसाफ की मांग। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्बई ने प्रवीण की मौत पर दुख जताया। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। गुजरात में जहरीली शराब की घटना को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने की मीटिंग। अधिकारियों से घटना को लेकर चर्चा हुई। गुजरात शराब कांड में एसआईटी ने तेज की जांच। अब तक 33 लोगों की मौत जिसमें से 24 बोटाद के हैं जबकि 9 अहमदाबाद जिले के। शराब कांड में अब तक करीब 45 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बोटाद, भावनगर और अहमदाबाद के अस्पताल में हो रहा है उनका इलाज। गुजरात शराब कांड में फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा, आरोपियों से जब्त केमिकल में 99% मिथाइल अल्कोहल था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भावनगर में नकली शराब पीने से बीमार हुए लोगों से मुलाकात। पीएम मोदी 28 और 29 जुलाई को गुजरात और तमिलनाडु का करेंगे दौरा। 28 तारीख को साबरकांठा के गड़ौदा चौकी में साबर डेयरी की परियोजना का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी 28 जुलाई को चेन्नई में करेंगे 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन। शाम 6 बजे होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी 29 जुलाई की सुबह 10 बजे अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। शाम 4 बजे गांधीनगर में करेंगे गिफ्ट सिटी का दौरा। नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी के बीच गठबंधन। विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। एनडीपीपी 40 सीटों पर और बीजेपी 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बोले असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा, का झंडे पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर बोले सीएम हिमंता बिस्वा सरमा, गुवाहाटी में भी आयोजित हो G20 की बैठक। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बताया। कहा मुझे पार्टी से निकाल ही दें तो बेहतर है। सपा की मीटिंग में नहीं बुलाए जाने से नाराज हैं शिवपाल यादव। अखिलेश यादव ने लिखी थी चिट्ठी, जहां सम्मान मिले आप वहां जा सकते हैं। भोपाल के बीटेक छात्र निशांक राठौर की मौत के मामले की एसआईटी अब जांच करेगी। सरतन से जुदा के मैसेज को देखते हुए सरकार ने आदेश दिया। भोपाल में रेलवे ट्रैक पर मिला था निशांक का शव। परिवार ने पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर उठाए हैं सवाल। कहा बेटे का मर्डर हुआ। निशांक की मौत से पहले पिता और दोस्तों के मोबाइल पर आया मैसेज, गुस्ताखी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। निशांक की मौत से पहले के 3 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। भोपाल के बोर्ड ऑफिस समेत अब्दुल्लागंज पेट्रोल पंप पर दिखा निशांक। निशांक की मौत की हर एंगल से जांच हो रही है। रायसेन एसएसपी बोले पिता को मिले मैसेज की भी जांच हो रही है। तमिलनाडु के कुडुलोर में 12वीं की छात्रा की मौत का मामला, एसपी ने कहा घरेलू विवाद की वजह से आत्महत्या की।
तमिलनाडु के सीएम ने छात्रा की मौत पर जताया दुख, कहा बच्चों को हर हालत से निपटने के लिए सिखाया जाना चाहिए। योगी सरकार में माफियाओं पर एक्शन जारी, मऊ पुलिस ने माफिया मुख्तार की पत्नी और बेटे को किया घोषित भगोड़ा। कैटरीना विकी धमकी केस में आरोपी मनविंदर को 28 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया, 3 मोबाइल फोन मिले। न्यूड फोटोशूट मामले में मुंबई में रणवीर सिंह पर FIR दर्ज, एनजीओ ने की है शिकायत। मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस की कामयाबी, फरार चल रहे शार्प शूटर दीपक मुंडी को गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद की सेशंस कोर्ट से तीस्ता सी तलवार को झटका, जमानत याचिका पर आदेश 28 जुलाई तक टाला। यूपी के मिर्जापुर में एक महिला और उसकी बेटी की घर वालों ने की पिटाई, महिला के भतीजे ने जमीनी विवाद में पीटा। दिल्ली में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, हादसे के बाद ट्रक लेकर फरार हुआ ड्राइवर। हैदराबाद पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया, एक तस्कर भी पकड़ा गया। राजस्थान के जोधपुर में 4 बच्चों की डूबने से मौत, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। अमरनाथ में गुफा के आसपास भारी बारिश हुई है, बाढ़ जैसे हालात बन गए, 4,000 यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पानी गुफा तक पहुंचने से पहले ही भक्तों को वहां से निकाल लिया गया, सेना के जवानों ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी को किया वहां से सुरक्षित जगह पर शिफ्ट। आंध्र प्रदेश के एलुरु में बारिश की वजह से आई बाढ़, लोगों के सामने तेज बहाव में बह गई कारें। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत, 8 जिलों में गिरी आकाशीय बिजली, कैमूर में सबसे ज्यादा 7 लोगों की जान गई। यूपी के गाजीपुर में भी आसमानी बिजली गिरने से 4 की मौत, सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हरियाणा में 27 से 30 जुलाई तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मिजोरम में महसूस किए गए हल्के भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 दर्ज की गई। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रक्षा मंत्रालय ने 28,732 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियारों की खरीद को मंजूरी दी। यूपी में अब मदरसों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का होगा दाखिला, कॉन्वेंट की तर्ज पर लगेंगी प्री प्राइमरी क्लास। पूर्वी रेलवे लोकल ट्रेनों में LED TV लगाएगा, हावड़ा से पहली ट्रेन का उद्घाटन। भाई की कलाई पर बहने बांधेंगी बांस की राखियां, गोरखपुर में नेशनल बंबू मिशन के तहत ये राखियां बनाई जा रही है। मंकी पॉक्स के अब तक 4 केस हैं, नीति आयोग ने कहा हालात कंट्रोल में है, घबराने की जरूरत नहीं। ओडिशा सरकार का जिलों को निर्देश, मंकी पॉक्स के मामलों से निपटने के लिए आइसोलेशन बेड तैयार रखें। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने मंकी पॉक्स पर की हाई लेवल मीटिंग, कहा बीमारी को लेकर गाइडलाइंस का पालन जरूरी है। कांगो में 2 भारतीय पीस कीपर्स की मौत, संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के दौरान दोनों भारतीय शांति सैनिकों की मौत। ब्रिटेन के पीएम की रेस में ऋषि सुनक को लगा झटका, लिज ट्रस्ट ने टीवी डिबेट में हराया। टीवी डिबेट के दौरान बेहोश होकर गिरी प्रोग्राम की होस्ट, ओ माय गॉड चीख पड़ी लिज ट्रस्ट। एक ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक ऋषि सुनक की लोकप्रियता में आई कमी, 62% से घटकर 38% पर आई ऋषि की लोकप्रियता। बोलीविया की राजधानी लापाज में 13 मंजिला कमर्शियल इमारत में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फैलती जा रही है योसेमिट नेशनल पार्क की आग, करीब 72 वर्ग किलोमीटर जंगल जलकर खाक हुआ। पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सिंगापुर से श्रीलंका लौटे, सरकार ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे को उनके चुनाव जीतने पर बधाई पत्र भेजा। डोनेस्क के एक तेल डिपो में लगी आग, रूसी टीवी मीडिया ने शेयर किया जलते तेल डिपो का वीडियो। रूसी सेना ने यूक्रेन के ओडिशा पर किया एयर स्ट्राइक, कई रिहायशी इमारतें और बंदरगाह को बनाया निशाना। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से किया सम्मानित, वीडियो लिंक के माध्यम से समारोह में शामिल हुए जेलेंस्की। यूरोपीय संघ के देशों के बीच समझौता, गैस की मांग को 15% कम करने के लिए एक मसौदे को मंजूरी दी। 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रोजेक्ट से हट जाएगा रूस, अपना स्टेशन बनाने पर देगा जोर। 5G स्पेक्ट्रम की मंगलवार से नीलामी शुरू होगी, पहले दिन 1,45,00,000 की लगी बोली। जियो, एयरटेल, अडानी ग्रुप और वोडाफोन आइडिया ने लगाई बोली, टेलीकॉम मंत्री ने कहा साल के अंत तक शुरू हो सकती है 5G सेवा। सबसे धनी भारतीय गौतम अडानी का दावा, भारत में निवेश से कभी पीछे नहीं हटे, ग्रीन एनर्जी पर $70 अरब का निवेश कर रहा है ग्रुप। वेस्ट इंडीज और भारत के बीच तीसरा वनडे मैच आज, अंतिम वनडे मैच में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है टीम इंडिया, पोर्ट ऑफ स्पेन में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। अक्षर पटेल के मुरीद हुए पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया, अक्षर की शेर से की तुलना। महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की 2025 में मेजबानी करेगा भारत, सौरभ गांगुली ने खुशी जाहिर की। कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम को झटका, एक और महिला खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से पहले बर्मिंघम में प्रैक्टिस करती दिखी भारतीय महिला हॉकी टीम। ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रो और नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर हुए, इंजरी के कारण लिया फैसला, भारत को झटका। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान लगी नीरज चोपड़ा को चोट, 1 महीने करेंगे अब आराम।
कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर बोले भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश, कहा हमारा पहला लक्ष्य पूल टॉपर बनना है। बॉक्सर लवलीना की कोच संध्या गुरुंग को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मान्यता मिल गई है। तमिलनाडु में कबड्डी मैच के दौरान बड़ा हादसा, लाइव मैच के दौरान खिलाड़ी की मौत हुई। आलिया भट्ट ने प्रेगनेंसी पर ताना मारने वालों को दिया करारा जवाब, कहा आप बड़ी चीजों के लिए प्लान नहीं कर सकते, बस ये हो जाता है। आलिया भट्ट ने पूरी की करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग, लिखा इस टीम को बहुत मिस करूंगी। आमिर खान ने किया खुलासा, केजीएफ 2 से होने वाली थी लाल सिंह चड्ढा की टक्कर, रिलीज डेट टलने से हम बच गए। सीक्रेट्स ऑफ द कोहिनूर में दिखेंगे मनोज वाजपेयी, 4 अगस्त को डिस्कवरी प्लस पर होगी रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।